देखो भाई आज होमोनिम सीखेंगे ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है टी जी टी, -जी -टी जो भी एग्जाम आते हैं और समझ लो एक तरह से वोकेबल है तो मैन्यूटली हम सीखेंगे पहला वर्ड है नोटेबल उसके उससे मिलता जुलता है नोटिसबल और उससे उसके बाद है नोटोरियस और उसके बाद है नोटेड देखो इनका इनमें क्या फ़र्क है वो समझते हैं क्रेडिटेबल का मतलब होता है कि वर्णनीय इंडिया इज मेड इन नोटेबल नोटेबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर के फील्ड में नोटेबल प्रोग्रेस किया मतलब बहुत ही वर्णनीय बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छी जिसका हम मतलब उसकी खुशामद कर सकें जिक्र कर सकें वो होता है नोटेबल नोटिसेबल नोटिस के बाद एबल लगा दिया सफिक्स नोटिसेबल तो बन गया इजी टू नोटिस नोटिसेबल का मतलब जिसको देखा जा सके आसानी से देखा जा सके देर इज़ नोटिसेबल इंप्रूवमेंट इन द पेशेंट नोटिसेबल इंप्रूवमेंट मतलब इंप्रूवमेंट हो रहा है जो सबको दिखाई देता है अगर नोटोरियस नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात फेमस है लेकिन अनफेरेबल है फेमस तो हो गया लेकिन कुख्यात है वो मतलब गंदे गन, तरीके से या गलत तरीके से फेमस है वो कुख्यात है आवर पोलिटिकल लीडर्स आर नोटोरियस फॉर देयर अपैथी टू पब्लिक इंटरेस्ट हमारे जो पोलिटिकल लीडर्स हैं वो पब्लिक इंटरेस्ट होते हैं ना लोगों की जो रुचियाँ होती हैं जो उनके पब्लिक के जो काम होते हैं उनके प्रति अपैथेटिक कोई लेना देना नहीं है इस कारण वो नोटोरियस है अगला है नोटेड ऑनस्टी है उस, उस है उस ऑनेस्टी की वजह से वह नोटेड है इसका मतलब वह फेमस है प्रसिद्ध है नोटेबल नोटिसबल नोटोरियस एंड नोटेड समझ में आ गया होगा अगला है ऑब्जर्वेंस कंप्लीज होते हैं ऑब्जर्वेंस इन ऑर्डर टू रिमेन हेल्दी ऑब्जर्वेंस ऑफ सर्टेन सिंपल रूल्स इज रिक्वायर्ड भाई कुछ रूल्स है हेल्दी रहने के लिए ठीक है उस समय कंप्लेन्स में रहना पड़ेगा इसका मतलब हम हमें उसके एग्रीमेंट में रहना पड़ेगा हमें उससे मिल के रहना पड़ेगा उसके अनुरूप डालना पड़ेगा वो होता है ऑब्जरवेंस एक ऑफर ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्वेशन तो सबको पता है नोटिस करना चिल्ड्रन चिल्ड्रन हैव वेरी कीन ऑब्जर्वेशन पावर बच्चे हैं उनमें ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ही कीन होती है गहरी होती है वो होती है ऑब्जर्वेशन को समझने समझ सोचने समझने की शक्ति ज़्यादा होती है देखने की और ऑब्जर्वेंस होता है कम्पलेंस ठीक है किसी के सहमत होना अगला है ऑर्डिनेंस और ऑर्डेनेंस ऑर्डिनेंस होता है गवर्नमेंट का ऑर्डर और ऑर्डेनेस होता है गन ऑर्डेनेंस क्या होता है ऑर्डेनेंस स्टोर होता है ना जिसमें सारे हथियार रखे जाते हैं उसको बोलते हैं ऑर्डेनेंस देर इज एन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री एट कानपुर कानपुर में ऑर्डिनेस फैक्ट्री फैक्ट्री है और 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 डी डी आ आ गया और आई आ गया आई उसमें हैवर्नमेंट ऑर्डर हो जाएगा द गवर्नमेंट हैज इशूड एन ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर पास किया है अगेंस्ट द पीपल उन लोगों के खिलाफ हु डू नॉट पे द टैक्सेस ऑन टाइम जो टाइम पर टैक्स नहीं देते ठीक अगला है ऑफिसियस एंड ऑफिशियल एंड ऑफिशियस ऑफिशियल तो सबको पता है ऑफिस रिलेटेड है ऑफिस रिलेटेड जो भी काम ऑफिस ऑफिशियल होते हैं एक ऑफिशियस होता है जो ऑफिशियल होता है जो हमेशा खुशामद करता रहता है जो, जो चापलूसी करता है वो होता है ऑफिशियस और एक ऑफिशियस होता है जो दूसरों के कामों में टांगड़ आए है ना जो जानबूझ कर दूसरों के कामों में टागड़ आए वो ऑफिशियस होता है उसे रिलेटेड है फ्लैटर फ्लैटर मतलब दूसरे खुशामद करने वाला चुगली करने वाला मतलब उसकी तलवे चाटने वाला वो होता है ऑफिशियस हो बात कुछ इतनी समझ में आ गए होंगे नहीं समझ में आए तो कमेंट करेंगे थैंक यू